बहादुरगढ़ में एक फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड ठंड से बचने के लिए बिजली हीटर से हाथ सेक रहा था, उसी दौरान वो हीटर पर गिर गया, जिस वजह से वो न केवल बुरी तरह से झुलस गया बल्कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सिक्योरिटी गार्ड के परिजनों ने उसकी मौत पर सवाल खड़े किए हैं और इसके साथ ही मुआवजा देने व पुलिस से ठीक ढंग से जांच करने की भी मांग उठाई है। रीता जी, क्या हुआ था आपके पति को? पति हमारे होमगार्ड में के मतलब ड्यूटी करते थे, उनकी कुंदाल बाबू के कंपनी के अंदर, ठीक है। कुछ पैसे मतलब हमको ऑपरेशन के लिए मैंने घरे भेजना था, तो मांगे होंगे तो गाइन कुछ बात हो गया कि क्या कि मतलब वो बोल रहे थे कुंदाल बाबू के हीटर पर बैठ गए हैं, उनकी सीने नहीं जलता, उनकी चेहरे नहीं जलता। उसकी बाद में क्या करें क्या नहीं करें, सब फैक्ट्री के अंदर से तो कोई जान नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है उनकी हत्या की गई है? हैं? उनको मारा है क्या किसी ने? अब ये तो हमारे पता नहीं है सर कि मतलब मैंने हत्या किए हैं कि मतलब पैसे के बारे में मैंने हत्या किए हैं कि मतलब कपड़े में आग लग के मर गए हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते ये हैं कि कम से कम मतलब मैंने एक तीन बच्चे, छोटा छोटा बच्चा हमारा है, वो बच्चे के लिए मतलब कुछ चाह रहे हैं, हम आप क्या चाहेंगे, और हमको पिल्सन उल्सन बनवा दें, और उनकी साल अथी लाश जलाने उलाने के 1,00,000 बोले थे कि हम देंगे, बोले कि तू कागज बनवा लो से बना दे रहे हैं और तू साइन कर देना, 1,00,000 रुपया हम दे देंगे। तो कागज तो बनवा रहे हैं, इधर से साइन खोज रहे हैं, उधर से पैसे नहीं दे रहे हैं और न साइन कर रहे हैं मालिक। पैसे नहीं मिलेंगे तो डेड बॉडी नहीं ले जाओगे? अब हम कैसे ले जाएंगे, हमको पास है क्या? ठीक, गाड़ी वाला तो ऐसे नहीं ले जाएगा, बिहार छोड़ेगा नहीं, तो हम ले कैसे जाएंगे? सिक्योरिटी गार्ड की पहचान मूल रूप से बिहार निवासी रंजीत प्रसाद के रूप में हुई है। रंजीत पिछले 30 साल से सेक्टर 17 में जूते की फैक्ट्री चलाने वाले एक व्यक्ति के पास काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि रंजीत प्रसाद हादसे के समय फैक्ट्री में अकेले थे और उसी दौरान वो अचानक हीटर पर गिर गए। गार्ड को हीटर पर गिरता देख छत पर खेल रहे बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद फैक्ट्री मालिक मौके पर पहुंचे और गार्ड को घायल अवस्था में बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन यहां से रेफर किए जाने के बाद गार्ड ने एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सर, ये 25 तारीख की बात है, समय करीब 4 बजे की, वहां फैक्ट्री में एतवार का दिन था इसलिए छुट्टी थी, अकेला ही चौकीदार हाजिर था। दूसरी फैक्ट्री में सामने छत के ऊपर बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा अब भाई 106 नंबर प्लाट में सेक्टर 17 बहादुरगढ़ में जो कुणाल आनंद का फैक्ट्री है उसमें जूतों के अपर बनाता है, अब उसमें एक व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी हुई है, उन्होंने शोर किया तो साथ वाली कंपनी का गार्ड गया, जिसने देखा कि इस गार्ड के जो आग लग रही है, उसने यहाँ सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ से एम्बुलेंस बुलाकर उसमें जो है इसको इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ भिजवाया था, यहाँ से इसको रेफर कर दिया था PGI का, परंतु इसके मालिक ने इसका बेहतर इलाज करने के लिए ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल बहादुरगढ़ ले गया कि यहाँ अच्छा इलाज होगा, परंतु दौरान इलाज रात को इसका जो है स्वर्गवास हो गया था। इसके घरवाले कल दोपहर पहुँचे थे यहाँ हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराने के लिए, अभी इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसकी जांच की जा रही है, अगर जांच में कोई और बात आती है तो उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, फिलहाल इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है सिविल हॉस्पिटल में। मृतक रंजीत प्रसाद का परिवार बेहद गरीब है और छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण को लेकर अब सारी जिम्मेदारियां उसकी पत्नी पर आ गई हैं। ऐसे में परिवार के लोगों ने फैक्ट्री मालिक से आर्थिक सहायता की मांग की है और साथ ही ये भी अपील की है कि उन्हें गाड़ी मुहैया करवाई जाए ताकि वो रंजीत की लाश लेकर बिहार स्थित अपने घर पहुंच सके और उनका अंतिम संस्कार हो जाए। बहरहाल पुलिस ने बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण धरकर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।